मैं कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इमेज में एडजस्टमेंट में जो कमांड है इक्वलाइज की, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये कमांड कब यूज करनी है। ये कमांड उन स्टूडेंट के लिए जो फोटोशॉप की नॉलेज नहीं रखते हैं। ये जो ऑटोमेटिकली कमांड है, इसमें जो इमेज है मेरे पास, ये अंडर एक्सपोज इमेज है, इस इमेज को ये टोटली सेट कर देगा इक्वलाइज कमांड के थ्रू। जहां पे हमें कंट्रास्ट चाहिए, जहां पे लाइट चाहिए, ये इक्वल कमांड ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा। तो मैंने इक्वलाइज कमांड के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस कमांड ने जो अंडर एक्सपोज इमेज थी उसको ये लाइटिंग को सेट कर दिया है। आपको दोबारा बता दूं, मैं इमेज पे गया, एडजस्टमेंट पे गया, लेकिन उससे पहले ये जो इमेज है, ये एक अंडर एक्सपोज इमेज है, इसको सेट करने है के लिए हमें लेवल्स, कर्व्स और गामा एक्सपोजर को काफी सेट करना होगा। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑटोमेटिकली इसको विदाउट एनी टूल यूज करना चाहते हैं। इस कमांड को ऑटोमेटिकली ये फोटोशॉप इसको लाइटिंग में प्रॉपर कन्वर्ट कर देगा, जो इसकी एक्चुअल सेटिंग होनी चाहिए उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। मैंने इक्वलाइज कमांड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इक्वलाइज कमांड ने इसे टोटली जो इसकी ब्राइटनेस है, लाइट है, उसको सेट कर दिया है। तो मेरे पास एक और इमेज है, ये इमेज है अंडर ओवर एक्सपोज इमेज है। तो इस इमेज में मैं सेम सेटिंग करना चाहता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट्स। तो मुझे इस इमेज में लाइटिंग कम चाहिए तो मैंने इक्वलाइज कमांड पे ऊपर क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि इक्वलाइज कमांड ने इजिली इसे सेट कर दिया है, इसकी लाइटिंग को कम कर दिया है, जितनी हमें प्रॉपर चाहिए उतना सेट कर दिया है। लेकिन हम फर्दर जो प्रोफेशनल जो काम करना चाहते हैं, वो हमें हमेशा कर्व्स, लेवल्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस के थ्रू जो लाइटिंग है वो हम सेट कर सकते हैं। और जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं शेडोज, हाईलाइट्स, एचडीआर टोनिंग, तो इस तरह हम इक्वलाइज फीचर का यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक और इमेज है, मेरे पास इमेज में एडजस्टमेंट में ये जो कमांड है डीसेचुरेट की, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप इसे डीसेचुरेट कर देगा। आप देख सकते हैं बहुत इजीली इसने इसे डीसेचुरेट कर दिया है। जो ये वाला सेक्शन है इमेज एडजस्टमेंट डीसेचुरेट मैच कलर रिप्लेस कलर, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फोटोशॉप की नॉलेज ज्यादा नहीं रखते हैं। तो कुछ ये जो है फीचर हैं उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनको लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और बहुत सारे ये फीचर हैं, इनकी नॉलेज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये उनको सेट कर देता है जिस तरह की हमें सेटिंग चाहिए होती है। तो मेरे पास एक और कमांड है, ये जो है वेरिएशंस की है। तो वेरिएशन के थ्रू हम किसी भी इमेज में किसी भी तरह की कलर टोनिंग को सेट कर सकते हैं। तो मैं इमेज पे गया, एडिशन पे क्लिक किया, देन वी हैव दिस फीचर्स वेरिएशंस। तो मैंने यहां से एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, तो मैंने यहाँ पे मिड टोन पे सेलेक्ट किया इसे। तो अब ये जो ओरिजिनल इमेज है, ये जो करंट इमेज का जो रिजल्ट होगा, ये जो राइट साइड पे है, तो इस इमेज को मैं कुछ रेडिश लुक देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिड टोन को सेट किया। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, जैसे मोर ग्रीन, मोर येलो, मोर सियान, करंट पिक, मोर रेड, मजेंटा, देन ब्लू। तो हम इस इमेज को किस तरह के लुक देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें फोटोशॉप ने बहुत से ऑप्शन दे दिए हैं। तो इस इमेज को मैं कुछ रेडिश टोन देना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया एक बार। तो अब मैं हाईलाइट्स जो है इमेज में उनको किस तरह की टोन देना चाहता हूँ, रेडिश टोन देना चाहता हूँ। तो मैंने ये जो है अब जो है हाईलाइट्स, इनको मैं थोड़ा अब ब्लू शेड देना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये जो ब्लू की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा एक बार। तो सैचुरेशन हमें चाहिए इसकी हाई, तो मैंने मोर सैचुरेशन पे क्लिक किया। तो अब मैंने इसे ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज में मेरे पास जो है सैचुरेशन बहुत हाई है और रेडिश टोन हमें मिल रही है। तो इस तरह आप वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक और इमेज है, मैं आपको वेरिएशन कमांड है वो दोबारा बताना चाहता हूँ, ताकि आपको वेरिएशन कमांड की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। मैं इमेज पे गया, एडिशन पे क्लिक किया, मैं देन वी हैव दिस वेरिएशन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं ये जो है ओरिजिनल इमेज है, ये जो होगी हमारी, इसमें कुछ सेटिंग करेंगे, वो सेटिंग जहाँ पे हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैंने एक बार यहाँ पे ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्लिक किया, ये दोनों अब इमेज सेम है, तो हम किसी भी सेटिंग को चूज कर सकते हैं। जैसे इस फेस में मुझे फेस पे कुछ मजेंटा, कुछ पिंक टोन चाहिए, तो मैंने मिड टोन को सिलेक्ट किया
और यहां से एक बार इसे क्लिक किया तो देन ओके, तो ये इमेज पिंक टोन में कन्वर्ट हो गई है। तो आपको और सेटिंग के साथ बताना चाहता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट वेरिएशंस। तो मैंने एक बार इसे ओरिजिनल इमेज पे क्लिक किया, ये दोनों इमेज सेम है। मैं इसे येलो टोन देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने हाईलाइट चाहिए मुझे। मैंने हाईलाइट को सिलेक्ट किया और येलो को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ओके। अब देख सकते हैं इमेज में कुछ येलो टोन आने लगे हैं। तो इस तरह मैं कुछ और सेटिंग के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वेरिएशंस। देन मैंने एक बार इस पे क्लिक किया ओरिजिनल इमेज पे, ये दोनों इमेज सेम है। अब मैंने सैचुरेशन की हाई है वो रखनी है, तो मैंने मोर सैचुरेशन के ऊपर क्लिक किया, तो देन ओके। आप देख सकते हैं इमेज में जो डिफरेंस है काफी है। इस तरह आप सैचुरेशन, मिड टोन्स, हाईलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएशंस। ये जो ऑटोमेटिक काम करेगी ये कमांड, उन स्टूडेंट के लिए जो फोटोशॉप की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जिनको ये कमांड्स नहीं आती हैं ब्राइटनेस लेवल्स का और एक्सपोजर, तो वो डायरेक्टली यहाँ से वेरिएशंस के थ्रू काम कर सकते हैं। वेरिएशंस उनकी लाइटिंग में, मिड टोन्स में, शेडोज में। तो मैंने वेरिएशंस के ऊपर दोबारा क्लिक किया एक बार। मैंने ओरिजिनल इमेज पे हमें हमेशा क्लिक करना होगा, क्लिक किया तो मिड टोन्स के ऊपर दोबारा जाऊंगा मैं। अब ये जो जो स्लाइडर है, आपको बता दूं कि अगर इसे हम फाइन की तरफ रखेंगे तो इसमें इमेज में कोई भी ये जो है ओरिजिनल इमेज की तरह हो जाएंगी। तो जैसे मैंने इसे कोर्स की तरफ रखा, तो इमेज में किस तरह के रिजल्ट आएंगे, किस तरह के चेंजेस आएंगे, कि ये जो ग्रीन टोन है, येलो टोन है, उस तरह की टोन इमेज को मिलती रहेगी। अगर इसकी वैल्यू हम बहुत कम रखेंगे, 50% रखेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है कम होती रहेगी टोन्स की। जैसे येलो अब कम हो गया है, ये जो वैल्यूज कम होने लगी हैं, इसे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। तो मैं दोबारा से इमेज को हमें सबसे पहले डार्क चाहिए, वो चेंजेस करूंगा इसमें, और इसको जो मिड टोन वैल्यू है उसकी वो हमें येलो चाहिए। तो मैं देन, तो आप देख सकते हैं कि इमेज में काफी चेंजेस हुए हैं। तो इस तरह की सेटिंग आप वेरिएशंस के थ्रू कर सकते हैं। ये जो है हमारी, हमने कुछ सेटिंग की है वो इमेज, इसके इमेज जो पहले थी ओरिजिनल इमेज थी, ये जो वो इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन कमांड के थ्रू हम कितनी अच्छी सेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वरुण कुमार, मैंने आपको इमेज में एडजस्टमेंट में ये जो पोर्शन है सभी कंप्लीट कर दिए हैं, ब्राइटनेस लेवल्स का, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड व्हाइट और चैनल मिक्सर इन्वर्ट, पोस्टर थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप। जो अभी मैं आपको कुछ एडवांस ट्यूटोरियल के साथ की जो सेटिंग बताऊंगा, हमारे पास यही एक ऐसा टूल है ग्रेडियंट मैप, जो मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल्स में कवर नहीं किया है। तो ये जो ग्रेडियंट मैप है, आपको मैं थोड़े दिनों में, जब आपको मैं काफी और टूल करवा दूंगा उसके बारे में बता दूंगा काफी टूल, तो उनके साथ ग्रेडियंट मैप को यूज करके हमारे पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरे पास सेलेक्टिव कर्व कमांड है, वो भी मैंने आपको करवा दी है। शेडोज, HDR टोनिंग, वेरिएशंस, डिसैचुरेट, मैच कलर, रिप्लेस कलर, इक्वलाइज की जो सभी कमांड है मैंने आपको बता दी है। तो इन फ्यूचर मैं इसका जो है ग्रेडियंट मैप का ट्यूटोरियल जल्दी ही बना दूंगा। उससे पहले आपको कई चीजें कवर होने वाली होती हैं, उससे पहले कई चीजें आपको आनी चाहिए। तो वो पार्ट करवाने के बाद मैं आपको ग्रेडियंट जो मैप है वो कमांड बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे काफी स्टूडेंट के कॉल आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग माई वीडियोज। तो आप मुझे यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के लिए मेरा एड्रेस है www.facebook.com/arunkreation। अगर हम ये यूट्यूब पर फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा एड्रेस है www.youtube.com/arunkumar0777। अगर आप मुझे गूगल के थ्रू सर्च करना चाहते हैं मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे, तो आप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए अरुण कुमार 0777 और सर्च पे क्लिक कीजिए। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रिजल्ट होंगे उनके जो लिंक होंगे डायरेक्टली आपको यूट्यूब के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिस्पॉन्डिंग मी।